कार्यक्रम में बात होगी एक ऐसे विषय पर जिससे कि माता पिता जो हैं आजकल बहुत चिंतित हैं अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर। और अगर बच्चों की हेल्थ में हम बात करें मोटापे की, तो बच्चों की ओबेसिटी, माता पिता ये समझते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो हेल्दी है और हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उनको हर एक चीज़ हेल्दी के नज़रिए से देखना होता है, लेकिन वो ये पहचान ही नहीं पाते कि उनका जो बच्चा है वो ओबेसिटी का शिकार जो है वो हो रहा है। तो कैसे बच्चों की मोटापे को मेजर करें, कैसे पता करें कि बच्चे के अंदर अब फैट ज़्यादा हो रहा है, इसी पर बात करेंगे। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप चौबे, लेप्रोस्कोपिक एंड बैरियेटिक सर्जरी सर्जन, मैक्स हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा बच्चों की हेल्थ को लेकर है कि जो आज का विषय हमारा बच्चों में होने वाला मोटापा वो विषय है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानूंगी कि बच्चे छोटे होते हैं और छोटे होने के साथ साथ जो उनका वेट होता है या हाइट जो होती है, किस हिसाब से हम मेजर करें कि बच्चा हेल्दी तो है लेकिन मोटापे का शिकार वो हो रहा है? देखिए, आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, हमको BMI कैलकुलेट करना होता है, जिसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। और BMI जो होता है, जो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था, वैसे तो रेडीमेड फॉर्मूले हैं, हम वी कैन लुक एट द गूगल, गूगल में करके कर सकते हैं, बट अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई हाइट इन स्क्वायर मीटर्स, दैट विल गिव अप्रोक्सीमेट फिगर, वन फिगर, एंड दैट फिगर टेल्स अस वेदर द पर्सन इज द चाइल्ड इज नॉर्मल वेइंग और ही इज ओवरवेट चाइल्ड और he is an obese child or is a morbidly obese child. You know, it's a simple figure. It's like a blood pressure reading or something. You know, this calculation can tell us ki kis category mein wo bachcha fall karta hai. Agar wo bachcha sirf overweight ki category mein fall karta hai, to definitely kuch 1-2 kilo wazan kam karne se wo normal category mein aa sakta hai. But agar body mass index 30-32 ke kareeb pahunchta hai, then it means that the child is obese. And that is a warning sign that the child has gone to the level where the number of the kilograms weight which he or she has achieved is dangerous. जी. And then the parents should take immediate care. In fact, I would suggest that जब BMI हमारा 25, 26, 27 होता है, that is a stage when the weight can be reduced very comfortably. और ज्यादातर आप जानते हैं और हम लोग सब जानते हैं कि पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का एक बहुत सिंपल सा लव एंड अफेक्शन एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, वो है खाना। जी हाँ, यू नो, जी, जितना आपको, अगर आप खुश हैं तो आप उनको खाना खाने ले जाते हैं, आपने खाने की कोई चीज गिफ्ट कर दी, आपको बिस्किट ला के दे दिया, चॉकलेट ला के दे दिया, विच एक्चुअली इज हाई कैलरी। तो हमारे थिंकिंग के हिसाब से भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि बच्चे को अगर हमको अपना उसका एक्सप्रेस करना है लव एंड अफेक्शन, तो सिर्फ खाने से ही ना करें बल्कि फिजिकल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करें। उनको अगर आउटडोर गेम्स के लिए ले जाते हैं, स्विमिंग के लिए ले जाते हैं, एनकरेज करते हैं, तो दैट इज द बेस्ट अप्रोच विच आई थिंक हमको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ खिला खिला के और मोटे चबी बच्चे जो पुराने समय में बहुत क्यूट चाइल्ड कहलाते थे, वो एक्चुअली दे आर ओबीस चाइल्ड। और इससे आगे मैं एक और भी बात वार्न करना चाहूंगा कि जो 80% जो चिल्ड्रन ओबीस होते हैं, वो एडल्टहुड में भी ओबिसिटी को कंटिन्यू करते हैं। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट फॉर द चाइल्ड एंड ऑल्सो फॉर द फैमिली एंड द पेरेंट्स। तो सर, जो उसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। और ये जो चीजें हैं सर मोटापे की अगर बात करें, तो जेनेटिक भी चलता है मोटापा। अक्सर हमने देखा है कि जिनके माता पिता थोड़े हेल्दी हैं, ओबेसिटी की तरफ अगर उनका है, तो वो बच्चे जो हैं उनके, वो भी, उनका भी जो कट काठी है वो भी उसी तरह से रहता है। तो क्या ये जेनेटिक भी चलता है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एक जेनेटिक एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, बट उसके अलावा दो फैक्टर होते हैं, एक्सरसाइज होती है और डाइट होती है। तो देखिए, जेनेटिक फैक्टर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, उसको तो हमको लेके ही चलना पड़ेगा कि जीन्स नहीं चेंज कर सकते हम। तो अगर जीन्स पेरेंट्स के ओबिसिटी की तरफ है, तो उन पेरेंट्स को बच्चे की तरफ से एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा कि वो जीन्स का फैक्टर तो ठीक है, बट बाकी जो दो फैक्टर है उनका हम ध्यान दें। एक तो फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करें और डाइट में लो कैलरी डाइट दें, क्योंकि जब तक हम दो चीज, जब तक एटलीस्ट हमारे कंट्रोल में है ना, एक चीज अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हम दोनों चीजों को भी कंट्रोल से बाहर कर देते हैं,
तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सर, भारत में जो बच्चों का मोटापा है उसमें बहुत सारी समस्या जो है बच्चों के लिए वो पैदा करती है, जिसमें कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनमें उनका ब्रेन है, किडनी है, हड्डी लीवर जैसी बीमारियां हैं। तो ये तमाम बीमारियां क्या ओबेसिटी की वजह से होती हैं? और अगर ये होनी शुरू है तो किस एज से बच्चों का जो वेट है वो माता पिता को ध्यान रखने की ज़रूरत है? जी, मेरा ऐसा ख्याल है कि जैसे स्कूल में हम लोग पीटी में बुलाते हैं, और मैंने कई बार इस बात को एम्फरसाइज भी किया है कि जैसे स्कूल में पीटी में बुलाते हैं ना, तो टीचर्स हमारे सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। यू नो, आई स्ट्रांगली फील कि जो पीटी होती है और जो पेरेंट्स होते हैं उनको एक बॉडी मास कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे हम नंबर्स देखते हैं बच्चे का, हर समय पे 2-3 महीने में एक हाइट और वेट लेके उनका बॉडी मास करेक्ट पिक्चर कि हमको डाइट में ज्यादा ध्यान देना है, कि डाइट बहुत हाई कैलोरी ना हो, प्रोटीन ज्यादा हो, फिजिकल एक्टिविटी भी हमको बढ़ाना हो। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि शुरू वाली जब ओवरवेट शुरू होता है, दैट इज द राइट स्टेज टू इंटरवीन, और वो जब भी आपको पॉसिबल होगा, जब पेरेंट्स विल नो दैट द चाइल्ड इज ओवरवेट एंड ओबीज। बहुत आगे जाके मालूम करने में फिर डायबिटीज इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग विच अपीयर्स। डायबिटीज बहुत जल्दी अपीयर होती है, जैसे वजन का होता है, इसको हम डायबिसिटी कहते हैं। दिस इज द डायबिटीज डायरेक्टली रिलेटेड विथ ओबेसिटी जी। एंड धीरे धीरे फिर ज्वाइंट प्रॉब्लम, फिर लेथार्जी आ जाती है, वेट ज्यादा होने से बच्चा थकने लगता है, तो फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, फिर वो विशेष साइकिल में हम चले जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो और वेट बढ़ता है जी, तो वो हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो सर फिर कैसे बच्चे, प्रिवेंशन वाली स्टेज ज्यादा अच्छी है जी, बच्चे कैसे सर, मतलब कैसे जो बच्चों का जो डाइट है, और जो बच्चे अगर थोड़े हेल्दी हो भी गए हैं, अगर मोटापे का वो शिकार हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि बच्चों का मोटापा जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है? जी, ओबेसिटी के लेवल तक कंट्रोल रिवर्सिबल होता है, बट एक बार हम मॉर्बिड ओबेसिटी पे पहुंच जाते हैं, अगर हम बच्चे का बीएमआई 32 से ज्यादा हो जाता है, तो हम एक रिवर्सिबल स्टेज में पहुंच जाते हैं। फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत टीडियस होता है। तो पहले के शुरू के किलोग्राम्स कुछ कम करना, और डाइट में अगर पेरेंट्स को कोई कंफ्यूजन होता है तो बहुत आसान है, इतने न्यूट्रिशियस अवेलेबल है ऑल अराउंड ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी, सो वी कैन गो एंड दे कैन प्रिस्क्राइब कि इस बच्चे को इस एज ग्रुप में ये चीज की जरूरत है, ये प्रोटीन इतना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, और उनको मैनेज करना एक डिफिकल्ट काम नहीं होता उस कैलोरी रिक्वायरमेंट को जी। सर बच्चों के वजन थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं जी, बिल्कुल। तो बड़ों के मुकाबले में सर, अगर दुनिया के 5 टॉप कंट्रीज में हम देखें तो इंडिया 5वें पायदान पर उन 5 देशों में शामिल है जिसमें बच्चों का मोटापा जो है वो बड़ों से ज़्यादा है। तो अभी फिलहाल अगर एक आप सुझाव अगर दें हमारे सुनने वालों को, तो बच्चों के मोटापे को लेकर आपका क्या सुझाव होगा सभी माता पिता के लिए? मेरे ख्याल से तो सबसे पहली बात तो छवि बच्चे को अट्रैक्टिव मानना, एक दिमाग से उस बात को निकालना चाहिए, एक क्लीन एंड थिन बच्चा हु इज वेरी एक्टिव इज द राइट चाइल्ड बिहेवियर, पहली बात। और दूसरा, हमारा जो लव एंड उसका एक्सप्रेशन खाने पीने से ना करके बल्कि फिजिकल एक्टिविटी में उनको लगाए, कुछ स्विमिंग में, कुछ डांसिंग क्लासेस है, स्विमिंग है, कुछ एथलेटिक एक्टिविटीज है, उस पर डालने से उनकी कैलोरीज बर्न होगी। और देन जो घर का खाना जो है वो दैट बाय एंड लार्ज इज द बेस्ट बिकॉज इट हैज द लोअर कैलोरी देन द जंक फूड। जंक फूड विल ऑलवेज हैव हायर कैलोरीज, इट इज डॉक्यूमेंटेड। और उस स्टेज में अगर हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी होती है, और एजुकेशन वगैरह में हम चाहते हैं जब बहुत देर तक बच्चा पढ़ रहा है और फिर वो जंक फूड की तरफ खाते हैं, विच इज डेंजरस टू फॉर हिज हेल्थ जी। डॉक्टर चौबे, क्योंकि आप एक बहुत ही बहुत ज़्यादा सीनियर डॉक्टर हैं और हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त जो है वो बस आने को है, तो आपसे एक सवाल मैं ज़रूर यहाँ पर देश के तिरंगे के लिए लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी देश के लिए और जनता के लिए, समाज सेवा के लिए काम करते हैं। तो जब आप तिरंगे को देखते हैं डॉक्टर, तो आपके मन में किस तरह के भाव आते हैं? सबसे बड़ा भाव तो ये है, प्राइड का है, और यू फील सो प्राउड दैट यू आर एन इंडियन। सेकेंड, आई थिंक हमारी सोसाइटी और सोशल जो स्टेटस है और हमारी फैमिली वैल्यूज है, दे आर एक्सट्रीमली हाई, एंड दैट इटसेल्फ इज अ प्राइड मोमेंट वेयर वी कैन मोल्ड अवर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट वी डिजायर देम टू बी इन द फ्यूचर, एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द चिल्ड्रन, एंड इफ वी
say that if the children are going to be 80% of the population, in future they will become adult obese. So this is a very serious matter. I would say that we should take extra care on that, and to make the country more prosperous economically and otherwise also, and healthy, I think we should take a vow that we are going to pay extra attention from this time onwards. जी, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सर, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू. तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ बात कर सकते हैं. हमारे फेसबुक पेज है अपना रेडियो 96.9 FM. कविता शर्मा को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए अपना रेडियो. नमस्कार.